बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन साइट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही इजी सी एक बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको आलू के और अंडे के बहुत ही ज़बरदस्त से बर्गर बनाना सिखाऊंगी। इन बर्गर की ख़ास बात यह है कि इसके लिए ना तो आपको कोई आलू की टिक्की तैयार करनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई कबाब फ्राई करने पड़ेंगे। बहुत ही इजी सी एक रेसिपी है, तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने दो अदद अंडे डालने हैं। ये दो अदद जो अंडे हैं ये मैंने बॉयल कर लिए हैं और दो ही मैंने आलू लिए हैं, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। तो ये दो अंडे और दो आलू जो मैंने बॉईल किए हुए लिए हैं, इनको अब मैं अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैरेट ली है और थोड़ी सी प्याज ली है, इनको मैंने छोटा छोटा सा इस तरह से चॉप कर लिया है। साथ में मैं थोड़ा सा इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूंगी। अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज के डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, वो मेरे पास नहीं थी तो मैं इसमें ये रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ज़बरदस्त सा हमारा ये इजी सा बर्गर का जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। इसमें मैं अब ये श्रेड की हुई थोड़ी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने बन बर्गर ले लिए हैं, अब मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग मैंने इस तरह से करने हैं कि मैं इनको हाफ कट करूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं इसको काट लूंगी। अब हमने जो अंडे और आलू की जबरदस्त सी फिलिंग तैयार की है वो हम इसके अंदर सारी अच्छी तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक देगची ली है, आप कोई भी पैन ले लें। उसके नीचे पहले मैंने बटर पेपर रख दिया है। जो बर्गर मैंने तैयार किए हैं वो मैं इस तरह से रख दूंगी। इसके ऊपर अब मैं श्रेडेड चीज़ डाल दूंगी। आप कोई भी मोज़रेला ले लें या चेडर चीज़, जो भी आपको पसंद हो आप श्रेड करके वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च इस तरह से डाल दी है। आप इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी बहुत ही लाइट सी फ्लेम के ऊपर, ताकि ये नीचे से जले नहीं और ज़बरदस्त सी जो हमारी चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए जी। तो यहाँ पर देखें जी, चीज़ मेल्ट हो चुकी है और ज़बरदस्त से हमारे क्विक से बर्गर हो चुके हैं तैयार। तो चलें अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो ज़बरदस्त से हमारे क्विक से बर्गर जो हैं आलू और अंडे के वो हो चुके हैं तैयार। बहुत ही ये मिनटों में बनते हैं और बहुत ही इजी सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। इसको आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, आप टी टाइम में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ किचन साइट में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।